अस्तित्व निरंकार है, शक्ति के स्रोत हैं, प्रकाश के द्योतक और सृष्टि के कारक नाश के कारक हैं, भाव के भोले हैं, वायु, अग्नि, प्रकाश, जीव मन के पोषक, अहंकार के नाशक, जिन नामों से जाने या पुकारे, भगवान सिंह ध्यान में आएंगे। भगवान शिव की आराधना के स्रोतों में एक बाबा बैद्यनाथ धाम में सावन का पवित्र मास है, जिसमें शिव भक्त अपने पालनहार भगवान शिव को बेलपत्र व जल अर्पण कर प्रसन्न कर आशीर्वाद मांगते हैं। जय श्री सावन मास में देवघर का नजारा अद्भुत होता है। कोई भगवान शिव के रूप में तो कोई केदारनाथ मंदिर रूप को तो कोई डमरू त्रिशूल आदि आकृति में कांवर लेकर जल अर्पण करने पहुंचते हैं। क्यों है बाबा बैद्यनाथ धाम का महत्व, तो जानिए कि 12 ज्योतिर्लिंगों में नौवा ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ धाम है, इसलिए यहाँ शिव की आराधना का खास महत्व है। बैद्यनाथ धाम की मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि लंका नरेश रावण हिमालय पर भगवान शिव को प्रसन्न करने में एक एक शर काट कर शिवलिंग पर चढ़ाता गया। जब रावण ने अपना 10वां सर काटने जा रहा था तो शिव ने रावण को दर्शन दिया और वर मांगने को कहा। रावण ने शिव को अपने साथ लंका चलने का वर मांगा। शिव ने वरदान दे दिया, मगर एक शर्त रखी कि अगर किसी स्थान पर लिंग को जमीन पर रखा तो वह वहीं स्थापित हो जाएगा। इस वरदान से देवों के बीच हाहाकार मच गई। सभी देव ब्रह्मा जी के पास गए और शिव के वरदान से होने वाले स्थिति से अवगत कराया। ब्रह्मा ने आश्वस्त किया कि कोई उपाय किया जाएगा। रावण जब शिवलिंग रूप को लेकर निकला तो देवघर के पास पवन देव के प्रभाव से लघु शंका लगी। रावण ने बैजनाथ के रूप में एक चरवाहे को शिवलिंग देकर लघु शंका करने लगा। बैजनाथ रूप में ब्रह्मा जी ने शिवलिंग वहीं रख दी, जिसे रावण पुनः नहीं उठा सका। तो वह गुस्से से लाल पीला हो गया। उसने शिवलिंग को उठाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई, मगर शिवलिंग को उठा ना सका। गुस्से में आग बबूला रावण ने शिवलिंग को जमीन में दबा दिया। रावण को कहां पता था कि वह जिस भूमि पर खड़ा है वह एक शक्ति पीठ है। और देवघर में ही शिव के ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। शिव के प्रसन्न करने के कारक में शिव तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। आक धतूरा के साथ बेलपत्र विशेष पसंद है। शिव ब्रूम 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 के आवाज से भी प्रसन्न हो जाते हैं। शिव के इन्हीं महिमा को विस्तार से जानने के लिए बड़कू पंडा से अजीत संतोषी की खास बातचीत का अंश। नमस्कार, आप देख रहे हैं भी भारत और मैं जी संतोषी इस वक्त खड़ा हूँ हल्ला जोड़ी में। ये हल्ला जोड़ी की कहानी बहुत पुरानी है। यहाँ पर हरि और हर का मिलन हुआ था, यानी भगवान विष्णु और भोलेनाथ का यहाँ पर साक्षात मिलन हुआ था। लेकिन बैद्यनाथ धाम देवघर का जो नाम है, वह बैद्यनाथ धाम के नाम के पीछे क्या महत्व है? शिव को बेलपत्र और धतूरा ही क्यों प्यारा है? सावन की सोमवारी क्या महत्व है? और शिव शांत हैं और तांडव भी करते हैं, तो इन दोनों में क्या अंतर है? उन सारी चीज़ों की जानकारी हम लेंगे यहाँ के जो स्थायी पुरोहित हैं छोटे गुलाब पंडा जी, हम उनसे बात करेंगे। छोटे गुलाब जी, सबसे पहले ये बताइए कि सावन की पहली सोमवारी का क्या महत्व है? क्यों सोमवारी को ये लोग जल चढ़ाना चाहते हैं? सोमवारी को इसलिए जल चढ़ाना चाहते हैं कि उस दिन सबसे ज़्यादा भांग पीते हैं भोलेनाथ, और जो दादा मांग लेते हैं तुरंत तुरंत दे देते हैं, एक सेकंड देरी नहीं करते हैं, इसलिए महत्व ज़्यादा है। मतलब जो भोलेनाथ हैं वो पूरी तरह से घोड़ हो जाते हैं? हाँ हाँ। और जो भी उस दिन लोग मांगते हैं उनके तुरंत, एक को सेकंड देर नहीं, इसलिए सोमवार का खास महत्व। हाँ, ये बताइए कि बाबा को बेलपत्र और धतूरा ही क्यों प्यारा है? क्यों चढ़ाया जाता है ये दोनों? बेलपत्र इसलिए चढ़ाया जाता है
कि बेलपत्र में वह शक्ति है मगर तीन पत्ती वाला, तीन से अधिक और कम वाला नहीं, बेलपत्र में वह शक्ति है, वह शक्ति है, और धतूरा में वह शक्ति है कि इनका वही प्यारा है जो कि आप देख सकते हैं बड़सठ बेलपत्री गाछ ये आपके बगल में लगा हुआ है। बेलपत्र की प्रदर्शनी भी लगाई जाती है, तो उसके प्रदर्शनी के पीछे क्या सोना का है? सोना का थलिया पर सजा करके जुलूस के साथ हजारों हजार की संख्या में आकर के अपना अपना गद्दी का मंदिर में लगा करके और सोना की थलिया में सजा करके वह बेलपत्र जिसको लाने में एक बेलपत्र को 5 दिन 6 दिन 7 दिन जंगल में लग जाता है, चूड़ा खोआ लेके जाता है वहाँ, और बेलपत्री जब पक जाता है गाछ पर तब उसको तोड़ता है, जब तक कच्चा रहता नहीं तोड़ता है। तो तीन पत्ते का बेलपत्र का क्या महत्व है, आखिर तीन पत्ते का बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? तीन दल का ही महत्व है, 4, 5, 6, 7 का बहुत मिलता है, कोई महत्व नहीं है, तीनों दल उनको पसंद है, तीनों दल। हाँ अच्छा, ये बताइए कि शिव जो है शांत भी है, भोले हो जाते हैं, कुछ भी देते हैं, लेकिन तांडव भी जब करते हैं तो ब्रह्मांड को हिला देते हैं, तो इन दोनों में अंतर क्या है, क्यों शांत भी और तांडव क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि उसमें पार्वती जी बड़ा कुड़कुड़ाते हैं और शंकर जी बड़ा खुलखुला के नाचते हैं और हंसते हैं, तो पार्वती को कुड़कुड़वाने के लिए वैसा करते हैं और लोगों को दिखलाने के लिए। तो शिव जो शांत है, शांत के पीछे की कहानी क्या है उनकी, जो इतने भोले हैं, क्यों इतने भोले हैं? वो इतना भोले हैं जो तीनों त्रिलोक का मालिक समुद्र है, वो महासमुद्र है वो, और वो भांग पर 24 घंटा मस्त रहते हैं, और जो जातव जो जो मांग ले लो, हालांकि उनका थैला मैं छीन लिया तो कुछ नहीं मिला, क्या मिला? पमार, भांग, गांजा और चिलम, और कुछ भी नहीं मिला, एक दूसरों तांबा का पैसा मिला और कुछ भी नहीं मिला, उनके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ इसलिए वो भोले हैं, इसलिए फिर तांडव क्यों करते हैं, फिर जब शिव तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड मिल जाता है, इसके पीछे क्या रहता है? इसके पीछे उनका शक्ति का प्रमाण होता है, लोगों को मालूम होता है कि हाँ अरे बाप, ये बाप रे बाप, महाराजा हैं ये, तीनों तिलों के हिलाने वाले हैं, उनके तांडव से भी लोग डर जाते हैं, उनके भोलेपन से लोग प्यार करते हैं। उनको तांडव देखने से लोगों का मिजाज एकदम सुख जाता, अरे बाप ये बाबा पागल हो गए क्या, हरी भोलेनाथ बम बम महादेव करके जब भी गाल बजाते हैं, बाप रे बाप रे बाप रे बाप, तीनों तीनों एकदम होने लगता है। देखिए कि किस तरह छोटे गुलाब बाबू पंडा बाबा जो है लगातार बता रहे हैं कि जो तांडव का जो रूप है उसे स्वरूप क्या कहना चाहता है, और जो भोले है उस भोले के पीछे क्या कहानी है, वो सारी चीज़ों को गुलाब बाबू पंडा बता रहे हैं। हम इनसे जानना चाहते हैं, देवघर जो है बैजनाथ धाम नाम पड़ा, इस बैजनाथ धाम नाम के पीछे क्या रहस्य है, क्यों बैजनाथ धाम नाम पड़ा इसका? बैजनाथ धाम नहीं पड़ा, रावणेश्वर बैजनाथ धाम पड़ा, रावण के लाए शंकर जी, अब बैजू पहले पूजा किया तब हुआ नाथ, रावणेश्वर बैजनाथ धाम। तो शिव का पहला पूजा बैजू ने किया था, हाँ। इसके पीछे क्या कहानी है, कैसे शिव यहाँ है, कौन लाया यहाँ पे? रावण लाया शिव को, इनका तो जगह सा कैलाश पर्वत, वो रोज जाते थे कैलाश पर्वत पूजा करने, इनको पूजा करते करते इनके मन में भावना उत्पन्न हो गया कि अरे बाप, इनका जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 10 और 2 12, जिसमें से कामना लिंग को हम प्राप्त करके अपने लंका में ले जाके मंदिर बना के पूजा पूजी करेंगे। इनको जाना कहाँ था, अपना पत्नी के पास, लंका नहीं जाना था। अब यहाँ तक आते आते विमान से उनको लघुशंका लग गया, जब लघुशंका करने गए तो भगवान विष्णु के हाथ में शंकर जी को देकर के गए, अब लग गया टाइम 7 दिन 7 रात,
अब भगवान जो है लगातार 7 दिन 7 रात तक लघु शंका करते रहे जी, और भगवान विष्णु शिव को हाथ में लिए खड़े। हाँ, इसके मैं व्याकुल हो गए कि अरे बाबा हम करें तो करें क्या। वो ध्यान धर के देखे तो ये दक्षिण दिशा हुआ। बाबा बैजनाथ धाम जो है वो चिता भूमि है और वहाँ सती का हृदय एकांत टुकड़ा जो हुआ था यहाँ हृदय गिरा था, वही माता का हृदय पर शंकर जी को राग बैठा दिया। इसलिए यहाँ पे सती और पार्वती दोनों का पूजा किया। हाँ, इसलिए आपका महत्व है पार्वती। ये हृदय सती और हृदय एक ही चीज हुआ। ये हृदय पीठ है, मार रिजो एखाने पड़ी छे, मार रिजो एखाने पड़ी छे बैद्यनाथे तारी ऊपर भोला बाबा बसानो के। इसलिए यहाँ पे कोई सिद्धि नहीं कर पाते हैं। यहाँ कोई सिद्धि कर रहा है, ये तो बगल में मसान है वहाँ भी मसान है, यहाँ सिद्धि कोई नहीं कर पाता है, कोई झाड़ नहीं सकता है, कोई झाड़ नहीं सकता। मतलब ये जो है चिता भूमि पे है बाबा जो है हृदय पे बसे। हाँ, मनोकामना लिंग क्यों कहा जाता है इसको, कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग श्रेष्ठ मनोकामना लिंग, सब जगह त्रिशूल होता है लेकिन बैजनाथ धाम में पंचशूल देखने को मिलता है, इसके पीछे क्या है? इसके पीछे वही तो चीज है, तीन शरीर यहाँ पांच, ये प्रमाण करते हैं कि पंचमुखी सदा सुखी, पांच जो है ये परमेश्वर है, ये इसका निराकार है आकार नहीं है, इसलिए यहाँ पंचशूल है। हाँ, तो पंचशूल का ही महत्व है, पंचशूल को भी लोग पूजने के लिए। हाँ, शिवरात्रि का ऐसा समय में पंचशूल को छूने के लिए लोग। हाँ, जबकि सब खुलता है सफाई होता है उसमें लोग बाप रे बाप रे बाप बड़ी भाग बनाता है। ये मनोकामना लिंग बाबा बैजनाथ को जो है मनोकामना लिंग कहा जाता है। कहा जाता है कि सच्चे दिल से अगर आप कुछ मांगते हैं भोलेनाथ से तो वो भोले हैं, अघोड़ी हैं, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। उन्होंने सोमवारी के बारे में बताया कि सोमवार को जो भोलेनाथ हैं भांग धतूरा में मस्त रहते हैं और पूरी तरह से मगन रहते हैं, उस दिन लोग जो जल चढ़ाते हैं बाबा को तो उनकी सारी मनोकामना पूर्ण होती है, जो भी मांगते हैं भोलेनाथ उन्हें तुरंत दे देते हैं। इसलिए यहाँ पर बैजनाथ धाम रामेश्वरम बैजनाथ धाम नाम कहा जाता है, क्योंकि रावण ने जलाया था, रावण को यहाँ पर नहीं जलाया जाता, शायद रावण की भी यहाँ पर पूजा की जाती है। रावण को यहाँ पे दशहरा में नहीं जलाया जाता, ये ऐसी मान्यता है देवघर में। हाँ, रावण का पूजा भी नहीं होता, अपमान भी नहीं होता, अपमान भी नहीं होता, इसलिए उनका सम्मान क्या होता है, इसलिए यहाँ दशहरा में रावण को नहीं जलाया जाता। हाँ, क्योंकि रावण ने ही लाया था। तो डिक्लेयर तो है रावणेश्वर बैजनाथ, रावण का ही तो नाम है पहला, उसके बाद फिर बैजू। हाँ, क्योंकि बैजू ने पूजा किया था। अरे ये बताइए, इसके पीछे प्राचीन कथा कहा जाता है कि भगवान राम ने सबसे पहले जो है यहाँ पर कांवड़ यात्रा करके बाबा को जल चढ़ाया था। ठीक ठीक है, उसके बाद से ये जो यात्रा चालू हुई, ई नदी नाला नहाते धोते झूठा कूठा करते करते पागल होते 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 इनको मिला भागीरथ। भागीरथ मिला तो बोला हे बाबू गंगा नहाना है हमको, गंगा नहाना है, ऐसे कर दिया। तो भाग ऋषि गंगा, सुल्तानगंज जो है भाग ऋषि गंगा है, गंगा जी वहाँ खल खलाने लगा, उड़ने लगा, उठाया गंगा जल कांवर बोझा और सीधा बोला बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम करते 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 खाते पीते बाबा धाम पहुँच गया। बाबा धाम में अपना भोले बाबा जल दिया और भोले बाबा से जो मांग लिया तो एकदम वज्र का मारा वज्र दे दिया एकदम जाओ। इन्हें वैद्य भी कहा जाता है, कहते हैं कि आराध्य देव हैं, सारे रोगों को ठीक कर देते हैं। बैद्यनाथ डॉक्टर वैद्य होता है ना, तो बैद्यनाथ भोले बाबा यहाँ ऐसा भी कहा जाता है, बैद्यनाथ जाइए बैद्यनाथ धाम, जाइए बैद्यनाथ धाम, सारे रोग का सारी बीमारी सारी बात सारी झमेला सारी बात खत्म, बस खाली सच्चा दिल से आ जाना है,
पैसा रहे या नहीं रहे कोई मतलब नहीं, बस बाबा को एक लोटा जल, बस 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 उसी में बाबा खुश, बस गाल बजा दिए, बस चला जाइए आप। हाँ चला गया कृपा, वहाँ आपका घर अब यही है, उनका कृपा आपका घर चला गया। बोल बम, चलिए बोल बम। तो ये थे छोटे गुलाब पंडा जी, जिन्होंने विस्तार पूर्वक बताया कि कैसे बैजनाथ धाम यहाँ पे रामेश्वर बैजनाथ धाम का नाम पड़ा, बैजनाथ धाम क्यों लोग कहते हैं, बैजू का नाम क्यों आता है, इन सारी चीज़ों का विस्तार से बताया। सबसे पहले हरला जोड़ी कहा जाता है कि यहीं पर हर हरि का मिलन हुआ था, जहाँ हम अभी खड़ा है इसके पीछे क्या बोल रहे, यहाँ खड़ा है ये हर है और बगल में भगवान विष्णु का चरण पादुका है, हर और हरी, हरिला जोड़ी, हरला जोड़ी, हरी हर का यहाँ मिलन हुआ है। ये कितनी पुरानी मंदिर है ये, बाप रे बाप, भी 350 बरस से भी ऊपर का है, 400 बरस से। हाँ, यहीं पर विष्णु और भगवान भोले का मिलन भी हुआ जी, इसलिए से हल्ला जोड़ी कहा जाता है। हरी हर का मिलन होना माने हरला जोड़ी, इसलिए इसका नाम हरला जोड़ी। चलिए तो ये थे छोटे गुलाब पंडा जी, इन्होंने विस्तार पूर्वक सारी चीज़ें बताए, अगर आप नहीं जानते तो भी भारत के माध्यम से वो चीज़ आप देख सकते हैं घर बैठे। तो बने रहिए भी भारत के साथ, दीजिए मुझे इजाज़त अपने सहयोगी केडी दास के साथ, धन्यवाद।